जबरदस्त है, महंगाई जबरदस्त है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। हम सारे नियमों का, कोविड रूल्स का पालना करते हुए रैली कर रहे हैं और आम जनता भी काफ़ी जागृत है। मैं समझता हूँ कि सबको मास्क अलाउ कर, मास्क के लिए बाध्य कर रहे हैं। पहली बार हमको प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी की राष्ट्रीय रैली हो रही है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में, जैसे मैं प्रतापगढ़ जाके आया, इतना जोश है जनता में, क्योंकि मोदी सरकार से सब लोग परेशान हैं। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है। तो मैं समझता हूँ ये रैली ऐतिहासिक होगी और उसी के तहत हमारे दौसा से करीब 15,000 के आसपास लोग भाग, कम से कम 15-20 तक भी जा सकते, इतने लोग भाग रैली के अंदर जाएंगे। उसको लेकर के अभी मेरे कार्यकर्ता के साथ में मैंने, ये तीसरी मीटिंग है व्यवस्था को देखने के लिए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालना हो, वैक्सीनेशन की कैसे पालना हो, और उनको कार्यकर्ताओं को और हम क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा, जिस हिसाब से उनमें जोश है, कोई जयपुर रैली में जा के आए और कोई दुख नहीं पाए और सब आराम से रैली में जाएँ। निश्चित ही बहुत तेज परिवर्तन आम जनता में है और मैं समझता हूँ कि ये 2023 और 2024 के चुनाव का आगाज भी होगा। सर, संभावित तीसरी लहर के बीच में रैली करना कितना होता है? हम सारे नियमों का, कोविड रूल्स का पालना करते हुए रैली कर रहे हैं और आम जनता भी काफ़ी जागृत है। मैं समझता हूँ कि सबको मास्क अलाउ कर, मास्क के लिए बाध्य कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए, और जो सारे, जो भी हम सेफ्टी बरत रहे हो, सारी सेफ्टी बरते हुए रैली करेंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि सर ये महंगाई को लेकर रैली नहीं है, ये राहुल गांधी को रिलोन सिंह की रैली है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल, वो तो दोनों, जब उन्होंने इतने कार्य उल्टे सीधे कर दिए, बेरोजगारी ज़बरदस्त है, महंगाई ज़बरदस्त है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, तो हम चाहते हैं कि वो समय रहते सुधर जाए, नहीं तो फिर राजनीतिक फायदा तो हर पार्टी लेती है, उसका लेना भी चाहिए हमको। क्यूआर होर्डिंग्स में सचिन पायलट गायब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट जनता वाले नेता है और मैं समझता हूँ कि हमारे दोसा से जो जितने भी होल्डिंग वोल्डिंग लगे, समय सचिन पायलट की फोटो है। लेकिन सर फिर भी क्या जो आने वाले चुनाव है विधानसभा, क्या सचिन पायलट के वगैरह लड़ने की तैयारी कर रही है? देखो, हम सब सामूहिक नेतृत्व में हमारी तैयारियां चल रही है और मैं समझता हूँ कि सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। निश्चित 2023 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। आपके साथी हैं रमेश मीणा, उन्होंने कहा कि मैं किसी गुट का नेता नहीं, ऐसा हरा